Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundland by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों आज मैं आपके दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बॉयज का सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़े टेंशन, लाइसेंस की यहाँ पर बात करने वाला हूँ, लाइसेंस के डाउट क्लियर करने वाला हूँ. सो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं. दोस्तों देखिए यहां पर जो आपके डाउट निकल के आ रहे हैं ना, वो सिर्फ चार तरह के डाउट निकल के आ रहे हैं, ठीक है. पहला डाउट आपका लर्निंग लाइसेंस का, दूसरा डाउट आपका निकल के आ रहा है अभी अप्लाई किया है, ठीक है, ठीक है. तीसरा है आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, चौथा डिजी लॉकर का चलेगा या नहीं चलेगा, पांचवा आपके पास एप्लीकेशन नंबर है वो चलेगा या नहीं चलेगा, या मेरा एप्लीकेशन, मेरा जो फिजिकल है वो 12 मान लो 5 तारीख का है और 7 तारीख मुझे डेट मिली हुई है, ऐसे में मैं क्या करूं. तो इन सारे सवालों के जवाब, सारी डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं वन बाय वन. तो एक एक सवाल ले लेते हैं अपन, ठीक है. पहला सवाल है लर्निंग लाइसेंस का. तो देखिए लर्निंग लाइसेंस को यहां पर आपको दिक्कत हो रही है, सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए जा रहे हैं, सब कुछ लिया जा रहा है भाई, लेकिन लर्निंग लाइसेंस के ऊपर है ना दिक्कत की जा रही है आपकी, ठीक है. लर्निंग लाइसेंस वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा. अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये तो गलत है, लर्निंग लाइसेंस वालों को कुछ लोग कह रहे हैं कि अंडर एंट्री दी जा रही है. तो देखिए उसका जवाब भी मैं आपको पहले ही दे देता हूं, जिनके पास लर्निंग लाइसेंस है वो रनिंग कर सकता है, अंडर एंट्री कर सकता है, फिजिकल में मतलब हाई जंप लॉन्ग जंप कर सकता है, साथ में ही वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी पहुंच सकता है. वहां पर पहुंचने के बाद उससे पूछा जाएगा लाइसेंस है आपके पास, तो आप क्या कहोगे, जी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो पूछेंगे लर्निंग है, वो कहेंगे हाँ. तो आपके पास एक अपीलेंट अथॉरिटी होती है, वहां पर अपील सुनती है, वहीं बैठी रहती है. आप उसके पास जाओगे, आप कहोगे सर ये बात है इसलिए मैं नहीं बनवा पाया, तो अगर उनको ठीक लगेगा तो वो आपको कहेंगे चलो कुछ दिन का टाइम ले लो, आप एक काम करो 2-4 दिन का टाइम ले लो, 5 दिन का, 10 दिन का, बन जाता है तो आप दिखा दो, वरना हम आपको डीवी में बाहर कर देंगे, ठीक है. सो यही सारा प्रोसेस हो रहा है. कुल मिला के बात यह है कि लर्निंग लाइसेंस के स्कोप बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्म भरवाया जा रहा है ना उस फॉर्म के अंदर भी आपको लाइसेंस का नंबर डालना होता है. अब लाइसेंस का नंबर नहीं है तो आप डालोगे क्या. तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत लर्निंग वालों को आ रही है. जिनके पास भी लर्निंग लाइसेंस है मैं उनको ये कहूंगा वो एक बार फिजिकल देने चले जाए, फिजिकल क्लियर करें, डीवी तक जाएं, अपीलेंट अथॉरिटी के सामने अपनी अपील रखें. हो सकता है आपको 10-12 दिन का टाइम मिल जाए और आपका आगे 10-15 दिन में हो सकता है बनने वाला हो तो बन जाए, ठीक है. दूसरा सवाल आपके पास, भाई मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है. अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है ना आपके लाइसेंस की, तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है वही आपका चल जाएगा, ठीक है ना. एप्लीकेशन नंबर आपका जो है वो वैलिड होगा, वही चलेगा. वो जो फॉर्म आपसे भरवाया जा रहा है ना, डॉक्यूमेंट क्या क्या है उसमें एप्लीकेशन नंबर डाल देना, आपका वैलिड हो जाएगा, आप अंदर चल जाओगे, ठीक है. तीसरा सवाल, मेरे पास लाइसेंस की स्लिप है, क्या मेरी स्लिप चल जाएगी. तो बिल्कुल आपकी स्लिप भी चल जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी स्लिप चलेगी भी, दौड़ेगी भी, सारे काम होंगे, ठीक है. चौथा सवाल, क्या मेरा डीजी लॉकर का चल जाएगा. तो जी यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका डीजी लॉकर का प्रिंट आउट भी चल जाएगा, ठीक है. अपने डीजी लॉकर का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो भी आपका चलेगा, वो भी वहां पर वैलिड हो जाएगा, ठीक है, कि भाई हार्ड कॉपी आ जाएगी मेरी जब भी आनी होगी 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन, 10 दिन में, लेकिन ये मेरा डीजी लॉकर का मेरे पास प्रूफ है और ये सारी चीजें हैं और आप देख सकते हो, और मेरा लाइसेंस अब कभी भी आ सकता है तो भी अलाउ कर देंगे. अगला सवाल आपके पास ये होता है कि मेरा फिजिकल मान लो अभी किसी का 3 तारीख का है और उसको डेट मिली है 7 तारीख, तो ऐसे में क्या करे, पैसे में क्या करे, वो फिजिकल देने चला जाए, पास कर ले, डीवी में जाए और अथॉरिटी को बताए सर मुझे 4 दिन का समय दे दो, मेरा 4 दिन के बाद मेरा आ जाएगा, ठीक है. तो जो भी ये कहेगा ना 4 दिन, तो वो देखेंगे भाई इस बच्चे को बाहर निकालने से कोई फायदा नहीं है, लाइसेंस के पीछे क्यों बाहर निकालना, 4 दिन में तो इसका लाइसेंस आ ही जाएगा. तो वो आपको भेज देंगे रिक्रूटमेंट सेल, वहां पर वो आपको कहेंगे भैया टाइम आपको दे देंगे, भाई 4 दिन का समय मांगा है, 4 दिन बाद आपको हमें ग्राउंड पर आकर रिपोर्ट करनी होगी. तो आप क्या करोगे, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको जब लाइसेंस आ जाएगा ना, तो आप वहां जाकर रिपोर्ट करोगे कि सर ये देखो मैं अपना लाइसेंस लेके आ गया हूं, मेरा लाइसेंस बन गया है, अब आप क्या
करो, आप मेरे को डीवी में पास कर दो, ठीक है, तो वो आपको डीवी में आपका एवेलिड कर देंगे, ठीक है। तो यही सारे सवाल आपके निकल के आ रहे थे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपका कोई भी सवाल लाइसेंस को लेके होना चाहिए, ठीक है। लाइसेंस का अब एक और सवाल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरा लाइसेंस अभी बना है कुछ दिन पहले, तो कभी भी बनाओ, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके पास लाइसेंस की। इसके बाद एक सवाल हो रहा है, मोटरसाइकिल का चलेगा दौड़ेगा, उसके बाद कार का चलेगा वो भी दौड़ेगा, हैवी मोटर व्हीकल चलेगा वो भी दौड़ेगा, कार बाइक का चलेगा वो भी चलेगा। लाइसेंस होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, आपका चलेगा भागेगा दौड़ेगा सब कुछ करेगा, बस लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई सारी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लाइसेंस को लेके। अब एक भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अब एक सवाल और निकल के आता है, कुछ बच्चों ने फिजिकल नहीं दिया लाइसेंस को लेके, कि भाई हमारे पास लाइसेंस लर्निंग था और हमने इस वजह से फिजिकल नहीं दे पाए, तो क्या अब हम अप्लाई कर सकते हैं? अब उन बच्चों के अंदर भी मन में आ रही है कि क्या यार हमें भी जाना चाहिए, हमें भी फिजिकल देना चाहिए, हम भी एक बार ये देखते कि यार फिजिकल में क्या होता क्या सोचता, हमें भी अब 15 दिन का टाइम मिल जाता। अब देखो यहां पर एक दिक्कत आ गई आपकी, अब दिल्ली पुलिस ने आपको बाहर नहीं किया, ना ही आप रनिंग वगैरह में बाहर हुए, आपने वहां पर अटेंडेंस ही नहीं लगवाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एब्सेंट हो गए हो। किसकी वजह से? अपने खुद की वजह से आप एब्सेंट हो गए हो, ठीक है। और जब आप खुद की वजह से एब्सेंट हुए हो, जब गलती आपकी है, तो आप एक बात बताओ, क्या जब गलती आप कर रहे हो, आप नहीं गए और आपने वहां पर फिजिकल नहीं दिया, और आप ही अपील करो कि आप मुझे दोबारा मौका दिया जाए, तो गलती किसकी है? क्या आपको दोबारा मौका देंगे? तो यहां पर इस चीज का कोई वैलिड नहीं है कि भाई आपको दोबारा मौका वो क्यों देंगे। वो कहेंगे हमने रोका हो आपको तो बताओ, हमने आपको मना किया हो तो बताओ, आपको गेट से भगाया हो तो बताओ। वो आखिर में क्या कहेंगे? भाई हमारी गलती नहीं है, आप आ जाते ग्राउंड पर, आप आके फिजिकल क्लियर करते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचते, और अगर आपको हमें वैलिड लगती है आपकी बात, तो हम आपका क्या करते, हम आपको कह देते भाई ठीक है 15 दिन का टाइम ले लो, 10 दिन का टाइम ले लो, और हम आपका वो पास कर देते, ठीक है। लेकिन अब आप गए नहीं तो गलती आपकी है, ठीक है। अब अगला मैसेज क्या जा रहा है, जिन भी बच्चों का फिजिकल है, जिनके पास भी लर्निंग लाइसेंस है, वो बच्चे बिल्कुल भी अपना घर पर नहीं बैठेंगे, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आपको क्या करना है कि मैं जाऊं ना जाऊं, रुकूं ना रुकूं, आपको अपना फिजिकल देने जरूर जाना है, ठीक है। हो सकता है आपको टाइम मिल जाए, हो सकता है आपको 5-7 दिन का वो टाइम दे दें, आप रिक्वेस्ट करो तो, और इसी टाइम के बीच में आपका लाइसेंस बन जाए, ठीक है ना। सो आपके पास अगर लर्निंग है तो आप बिल्कुल जाना, हो सकता है आपकी बातों को वहां पर स्वीकार कर ली जाए, ठीक है। तो सारा मैटर ये है कि फिजिकल देने जरूर जाने, और सबसे बड़ी बात ये, पहले तो आप फिजिकल तो क्लियर करो, लाइसेंस तो बाद की बात है, हो सकता है आप रनिंग में निकल जाओ, लॉन्ग जंप में निकल जाओ, बाद में आप सोचो मैं लाइसेंस की वजह से निकल गया, तो आप अगर जाओ देखकर देखो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। और जिनके पास लाइसेंस नहीं है भाई, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास तो लाइसेंस है ही नहीं, हमने आए नहीं, ना लर्निंग ना हो, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, अब उनके लिए कोई भी स्कोप बाकी नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए, बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब मुझे नहीं लगता कोई भी लाइसेंस से रिलेटेड आपके पास डाउट रहना चाहिए। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।